सांस्कृतिक उत्सवों के जरिए सदियों से समाज में समरसता और समभाव की भावना पैदा करने की कोशिशें की जाती रही हैं। उत्तर पूर्व का राज्य त्रिपुरा, जहां इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने फसल पर्व बिहू को मनाने के जरिए सामाजिक एकता को खुशियों से सींचने का काम किया। कलाकारों ने बिहू उत्सव के दौरान एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस कार्यक्रम का अहम आकर्षण संगीत और उसके थाप पर थिरकते पांवों को काफी करीब से देखना था, जो फसल पर्व के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया भी है। असम एसोसिएशन ऑफ त्रिपुरा के सौजन्य से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया। बिहू एक कल्चर है, लोक संस्कृति है, इसे हम लोग का जो एक बंधन है हम लोग का बीच में, ये बंधन अटूट रहे, ये मजबूत रहे, इसमें कोई जाति भेद कुछ नहीं है। हम लोग का एसोसिएशन में हर तरफ का आदमी है। अब वो इसमें मुस्लिम भी है, असमिया भी है, बंगाली भी है, हर तरफ का आदमी इसमें एसोसिएशन में इन्वॉल्व है, और हर तरफ का आदमी मिलके हम लोग ये बिहू हम लोग करते हैं। सामान्यतया असम में बिहू पर्व को कृषि कैलेंडर के मुताबिक 3 बार मनाया जाता है, लेकिन फसलों के आगमन से पहले यानी अप्रैल मई में मनाया जाने वाला रोंगाली बिहू का इंतजार हर किसी को होता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि फसलों के इस पर्व के जरिए न सिर्फ घर में अनाज आए, बल्कि खुशियों और उम्मीदों के दाने भी घर घर में बिखर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।